MTDC का एंट्री, ये सारा रूम है यहाँ पे। और ये देखिए MTDC आने के साथ साथ आपको ये सब दिखेगा। और ये अलग अलग टाइप के रिसोर्ट, यहाँ पे आपको ये पार्किंग हो गया। और ये है पूरा व्यू, एकदम प्राइम लोकेशन। यहाँ पे मस्त आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो भी है रेस्टोरेंट, जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ये अलग अलग टाइप के कॉटेजेस। तो ये है पार्किंग, यहाँ से आपको उतर के नीचे आना है। ये रेस्टोरेंट है और वहाँ पे रिसेप्शन है। और ये है हमारा कॉटेज, एक ये और एक ये। अभी आपको अंदर रूम दिखाता हूँ मैं। ये अंदर रूम कुछ ऐसा है MTDC वेलनेश्वर के। और ये है बेड, यहाँ पे TV, चीज़ें रखने के लिए। ये बाथरूम, यहाँ पे आपको अलमीरा वगैरह मिल जाएगा सब चीज़ें रखने के लिए। और कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। और बेड जो है वो पत्थर का बना हुआ है, डायरेक्टली कंक्रीट। AC है और व्यू देखिए डायरेक्टली। ये है बालकनी, गैलरी का नज़ारा। और ये सामने सीधा वेलनेश्वर समंदर। और यहाँ पे बेंच वगैरह रखा हुआ है बैठने के लिए, ये भी हमारा ही है, उत्पल है इसमें। और ये कुछ ऐसा रूम है यहाँ पे, ऐसे ऐसे टाइप के सारे जितने भी कॉटेजेस हैं सब ऐसे ही है। और यहाँ से नीचे से आप यहाँ से अंदर बीच की तरफ जा सकते हो। वेलनेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। यहाँ पे देखिए पूरे बनाए हुए मस्त। पहले ही इसमें माइट भी दीप वगैरह जलता होगा, अभी नहीं जलता, लेकिन ये पूरा मंदिर अंदर से आप दर्शन ले सकते हो। और ये MTDC के जस्ट पीछे ही है, 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे नंदी जी। और ये मंदिर में क्या मस्त खुशबू आ रहा है, यहाँ पे देख लिया। अब अंदर से देखते हैं, अगर परमिशन रहेगा तो ठीक है। और बहुत प्राचीन मंदिर है ये, यहाँ से मंदिर में जा सकते हो आप। ओम नमः शिवाय भगवान जी। शिव जी का मंदिर, ये है गणेश जी, अंदर है शिव जी, देव महाविष्णु देव स्थान। बहुत प्राचीन मंदिर लग रहा है ये, बहुत पुराना। गणेश जी का है मंदिर यहाँ पे। यहाँ पे शायद कुआं से पानी वानी निकाला जाता है पूजा वूजा करने के लिए। और एकदम कलरफुल, जैसे आपको पोखर में देखने को मिलता है वैसे ही एकदम मस्त कलरफुल, ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव वाइब। ये मंदिर और ये पीछे इधर समंदर। यहाँ से दिखेगा तो नहीं बट अभी नीचे जाएंगे हम लोग। एग्जैक्टली मंदिर के पीछे समंदर है। ये है भगवान परशुराम का मंदिर। और
हमें लग रहा था कि ये मतलब ऐसे किचन विचन जो भी है उसके लिए। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है परशुरामेश्वर। यहाँ पे बाहर निकलते हैं और अभी आपको वापस से इसको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये मंदिर और ये परशुराम जी का मंदिर। आगे हम लोग बेलनेश्वर बीच पे, लहरें देखो खतरनाक। ये यहाँ से ये पीछे मंदिर, यहाँ से अंदर से डायरेक्ट यहाँ पे खाने पीने के लिए, और ये है समंदर। मस्त ये बीच है, लेकिन लोगों ने पूरा इसको कचरा बना के रख दिया भाई। खाली दारू के बोतल, प्लास्टिक के बोतल, इसीलिए यहाँ पे लोग नहीं आते ना। पूरा एकदम कचरा करके रख दिया। ये देखो सिर्फ और सिर्फ दारू के बोतल प्लास्टिक, दारू के बोतल प्लास्टिक। इतना खूबसूरत जगह है, इसको चाहे तो कितना अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। वही है, खुद का दिया हुआ खुद समंदर वापस पूरा ला के फेंक दिया। ये देखिए वहाँ पे दारू का बोतल लिटरली पूरा एकदम जमा करके रखा हुआ है। इतना खूबसूरत है। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक। बहुत ये ना, ये डायरेक्टली ऐसे है, ऐसे एकदम। किनारे पे इतने बड़े लहर नहीं होते, ये डायरेक्ट ऐसे है बहुत। बाप रे, खूंखार है एकदम ये समुंदर। हम लोग बहुत बहुत मतलब खूंखार समुंदर, यहाँ पे किनारा है ये मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं हो सकता, इसीलिए लोग नहीं आते। मतलब वहाँ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इतने दूर, और एग्जैक्टली यहाँ पे सीधा ऐसे ऐसे खड्डा है जहाँ पे खतरनाक लहरें बन रहे हैं। वो देखो वहीं पर जाके लहरें रुक भी जा रहे हैं, डेडली डेडली। ये देखो ना कितना ऊपर आते गया पानी। अबे पानी देखो कितना ऊपर आया।